वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव सिटी। आज हम बात करेंगे तनाव के बारे में। हर रोज़ हम सभी अपनी ज़िंदगी में तमाम मुश्किलों का सामना करते हैं। कई बार ऐसे हालात आते हैं जिन्हें हम चाहकर भी संभाल नहीं पाते, तो कई बार उनसे निपटते हुए हमें भारी टेंशन का सामना करना पड़ता है। हम में से कई लोग कुछ किस्म के तनावों को झेलते हुए इतना आदि हो चुके होते हैं कि उन्हें महसूस ही नहीं कर पाते। हमारे मन में यह प्रश्न हमेशा रहता है कि तनाव क्या है। तनाव आजकल के जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। जब किसी स्थिति से निपटना मुश्किल हो जाता है तो एड्रेनालिन नामक एक हार्मोन हमारे पूरे शरीर में दौड़ने लगता है, जिसके कारण हमारे दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, खून तेजी से बहने लगता है, मानसिक चेतना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तनाव हमारे शरीर पर क्या असर करता है? हमारा शरीर तनाव सहने के लिए हमेशा तैयार रहता है। तनाव कभी कभी सकारात्मक भी हो सकता है, हमें प्रोत्साहन देने के लिए और खतरों अथवा मुसीबतों का सामना करने के लिए। परंतु जब यह नकारात्मक बनने लगता है तो व्यक्ति परेशान रहने लगता है और उसे आराम नहीं मिलता। वह हमेशा डर डर के जीने लगता है, जिसके कारण तनाव बढ़ता चला जाता है। ऐसा नहीं है कि हमारे पूर्वजों ने कभी तनाव का सामना अपने गुस्से पर काबू रखना, योग करना, अच्छा स्वास्थ्य खाना खाना, अपने परेशानी को किसी से बताना और साथ मिलकर उसका समाधान ढूंढना, अच्छी तरह सोना और आराम करना, शराब या आदि नशे न करना, अपने मन में कोई बात न रखना। ये थे कुछ टिप्स तनाव कम करने के लिए। Thanks for listening. Please like, share and subscribe to Creative City.